थाना सिटी बरनाला में इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह ने नए थाना प्रभारी के रूप में पदभार संभाला है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य 2022 में चुनावों को शांतिपूर्ण करवाना, शहर को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाना और शहर को नशों से मुक्त करवाना रहेगा। उन्होंने लोगों को पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इससे पहले वे 3 थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब उनका तबादला थाना दिड़बा से बरनाला हुआ है। गौरतलब रहे कि एसएसपी अलका मीना आईपीएस ने पुलिस में तबादले करते हुए 6 थानों के एसएचओ बदले हैं। थाना शहना के एसएचओ नरदेव सिंह को एसएचओ ठुल्लीवाल, थाना तपा के एसएचओ जसविंदर सिंह को पुलिस लाइन बरनाला, सब इंस्पेक्टर गुरलाल सिंह को पुलिस लाइन बरनाला से एसएचओ तपा, सब इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह को पुलिस लाइन से बदलकर थाना सदर का एसएचओ लगाया गया है, जबकि सिटी बरनाला में लगे सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह को थाना सहना का चार्ज दिया गया है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बतौर इंचार्ज सिटी बरनाला ज्वाइन किया, इस तो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच सी पुलिस स्टेशन मोनक ते बरनाला मैं हफ्ता पहले ज्वाइन किया सी। इस थाने दे विच बतौर मुख अफसर असी साडी मेन प्रायोरिटी हुण इलैक्शन है, क्योंकि तुहानू सारयां नू पता ही है कि इलैक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगन वाला। तो साडा मुख उद्देश जिहड़ी इलैक्शन है विधानसभा की 2022 की, उन्होंने बहुत ही पीसफुली चंगे तरीके करवाना साडा मुख उद्देश है। इस दे नाल नाल नशा जिहड़ियां कुरीतियां ने साडे समाज दियां, नशा हो गया, कोई सट्टेबाज ने किसी भी तरह का अपराध है उन्होंने ठल पाउणी, ये साडा मेन मकसद है कि असी पंजाब दे विचों नशा मुक्त पंजाब करिए। तो इन्हां दिशां नू लैके असी अगे वधांगे। जिन्होंने अजे तक असला जमा नहीं कराया उन्होंने बारे असले की असी मानयोग डीसी साहब ने भी हिदायत जारी कर दी है बई 30-12 तो पहले असला सारे जमा करवाउण। मैं सारे शहर वासियों नू अपील करदा कि असला जल्दी तो जल्दी पुलिस स्टेशन दे विच जां गन हाउस दे विच जमा करवाउण।